फेसबुक के यूजर अच्छे से जानते हैं कि उन्हें सिर्फ न्यूज फीड में या मैसेंजर में फ्रेंड्स या किसी पेज की पोस्ट नहीं दिखती, बल्कि उन्हें कुछ न्यू पोस्ट भी दिखती हैं एड्स की सूरत में। और उससे भी कमाल की बात यह है कि वो एड्स बहुत ही रेलेवेंट होते हैं, आई मीन कि इंटरेस्टिंग होते हैं। लेकिन क्या आपके साथ कुछ ऐसा कभी हुआ है कि आप कुछ सर्च कर रहे थे या किसी से उस हवाले से बात कर रहे थे या किसी न्यू शख्स से मिले और वही चीज फेसबुक आपकी वॉल पर आपको स्पॉन्सर्ड एड की सूरत में दिखाना शुरू कर देता है? आज हम जानेंगे कि फेसबुक अपने एड्स किस तरह लोगों को दिखाता है और किस तरह आपकी प्रोफाइल को टारगेट करता है। दिस इज गौहर रिजवी एंड यू आर ऑन माय चैनल। स्टार्ट करते हैं टीवी एड से। ये ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आते, क्यों? क्योंकि ये हमारे पसंदीदा प्रोग्राम्स के बीच में एक हड्डी की तरह काम करते हैं। सोचिए जरा, आप अपनी पसंद की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देख रहे हैं और अचानक ही जैसे ही वो मोमेंट आने वाला होता है कि जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, से पहले ही आपका ड्रामा या मूवी के बीच में एक एड डाल दिया जाता है और आपका टेम्पो, वो स्टेट अचानक ही बदल जाती है। लेकिन टीवी चैनल एड यूज करते हैं अपने खर्चे पूरे करने के लिए। उनको फर्क नहीं पड़ता कि लोग टॉक शो या प्रोग्राम में कितना इंटरेस्ट रखते हैं, उनको बस इस बात की फिक्र होती है कि कौन सा ड्रामा या कौन सा टॉक शो उनको ज्यादा महंगे एड्स दिला सकता है। एंड ऑनेस्टली, इस तरह आपके पसंदीदा प्रोग्राम्स, ड्रामे, टॉक शो या मूवी के बीच में 2 से 5 मिनट के एड्स डालने से व्यूअर की कंसंट्रेशन एंड इंटरेस्ट भी लूज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक हॉरर मूवी देख रहे हैं और वो बहुत ही अच्छी चल रही है, तो अचानक आप उसके दरमियान तरंग का नाच गाने वाला एड नहीं देखना चाहेंगे, क्योंकि इस एड ने आपका टेम्पो ही लूज कर देना है। ऑनेस्टली, इसी वजह से मुझे टीवी पसंद नहीं है और पर्सनली मैं टीवी नहीं देखता। शायद आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरानगी हो कि मुझे टीवी का रिमोट यूज करना नहीं आता, विच इज रियली वियर्ड। एनीवेज, बैक टू अवर टॉपिक। सोशल मीडिया का मामला थोड़ा सा डिफरेंट है और फेसबुक के बारे में हम सब जानते हैं कि सबसे बड़ा सोशल मीडिया नेटवर्क है दुनिया में। लेकिन फेसबुक की भी एक इनसिक्योरिटी है जिससे फेसबुक बहुत डरता है। फेसबुक चाहता है कि लोग बस फेसबुक में इंटरेस्टेड रहें। फेसबुक बिल्कुल नहीं चाहता लोगों को कि जरा भी उजलत हो उसकी ऐप से और लोग दूसरी एप्लीकेशंस या सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे कि ट्विटर, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम की तरफ रुख कर लें। इसी वजह से फेसबुक आपकी प्रोफाइल के डाटा को अपने कंप्यूटर्स के थ्रू मुसलसल प्रोसेस करता है और बड़े बड़े कंप्यूटर्स आपकी प्रोफाइल के डाटा और आपकी पोस्ट एक्टिविटी को प्रोसेस करके आपकी फ्रेंड्स की पोस्ट और दूसरे पेजेस की पोस्ट दिखाते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट मुसलसल फेसबुक में रहे। और फेसबुक सच में इस मामले में मास्टर है कि तकरीबन 2 बिलियन लोग फेसबुक को मंथली इस्तेमाल करते हैं, जिनमें 1.5 बिलियन लोग डेली यूज करते हैं। लेकिन इतनी बड़ी वेबसाइट को चलाने के लिए आपको बहुत स्टाफ चाहिए, जॉइंट कंप्यूटर्स चाहिए हैं, टॉप ऑफ द लाइन इंजीनियर्स चाहिए, मल्टीपल ऑफिसेस चाहिए हैं, बिगर सर्वर चाहिए हैं और आखिर में आपको प्रॉफिट भी बनाना है। और फेसबुक ये काम करता है आपको एड दिखाकर। लेकिन आपको मैंने बताया कि एड्स बोरिंग होते हैं, लोग नहीं चाहते कि उन्हें एड्स दिखाए जाएं, और एड्स नहीं तो फेसबुक हम फ्री यूज नहीं कर सकते। तो फेसबुक ने इस मामले से निपटने के लिए सोचा कि क्यों ना हम एड्स को भी इंटरेस्ट बेस्ड बना दें, यानी कि यूजर को वही एड दिखाया जाए कि जिसको वो देखना चाहता है। जैसे अगर आपको क्रिकेट में दिलचस्पी है तो आपको हाई क्वालिटी बैट्स या क्रिकेट एकेडमी के एड्स दिखाए जाएं, ना कि स्टे फ्री के, क्योंकि अगर उल्टे सीधे एड्स आपको दिखाए जाएंगे तो शायद आप किसी दूसरे सोशल मीडिया पर स्विच कर जाएं, और फेसबुक ये बिल्कुल नहीं चाहता। इसको कहते हैं रेलेवेंट एड्स, यानी कि ऐसे एड्स के जो आपको पसंद भी आए। और ऐसे एड्स दिखाने के लिए फेसबुक को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। फेसबुक अपने बड़े बड़े सर्वर से आपकी की गई हर एक्टिविटी को ट्रैक करता है, आपको कौन पसंद है, कौन ना पसंद, आपको पीटीआई पसंद है या नून लीग, आपको जियो पसंद है या एआरवाई वगैरह को प्रोसेस करता है और आपको उन्हीं के हवाले से एड्स दिखाता है। मैं एक फेसबुक एडवर्टाइजर हूं और फेसबुक मुझे अलाउ करता है कि मैं अपने एड्स रन करूं और आप आवाम तक अपना मैसेज पहुंचाऊं। आप हैरान होंगे कि मेरे पास क्या क्या एक्सेस होता है, सो लेट्स डाइव इनटू इट। सबसे पहले आती है जियो टारगेटिंग,
इसका मतलब यह है कि फेसबुक आपको आपकी लोकेशन की बेस पर टारगेट करता है, विच मेक सेंस। आपकी केक की बेकरी है कराची में, तो आप चाहेंगे कि सिर्फ उन लोगों को ही आपका एड दिखाया जाए जो सिर्फ कराची में ही नहीं रहते बल्कि आपके केक की शॉप के पास रहते हैं, क्योंकि वो लोग आपकी बेकरी के केक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। दूसरी कैटेगरी है जिन्स या जेंडर एंड लैंग्वेज। फेसबुक आपको आपके जेंडर एंड लैंग्वेज पर भी टारगेट करता है। दुबई में जब PSL होता है तो हम यूजली उर्दू एंड हिंदी स्पीकिंग को ही अपना एड दिखाते हैं, क्योंकि अरब्स इतने इंटरेस्टेड नहीं है क्रिकेट में। एंड लोकेशन एंड जेंडर एंड लैंग्वेज को मिक्स करके एक अच्छा खासा बेहतर तरीके से टारगेट किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद तो फेसबुक के पास बहुत ही अजीब अजीब और डरावने किस्म के तरीके हैं जिससे एडवर्टाइजर्स लोगों को टारगेट करते हैं, और इसकी तीन कैटेगरीज हैं, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर। लेट्स स्टार्ट विद कैटेगरी 1, डेमोग्राफिक्स। फेसबुक आपको इस बात से टारगेट करने को अलाउ करता है कि आपने कितना पढ़ा हुआ है, आपकी शादी हुई है या नहीं, आपकी इंगेजमेंट हुई है या नहीं, क्या आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं या नहीं, या आप अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, या क्या आप अपने घर से दूर रहते हैं, आपकी बर्थडे या आपकी फ्रेंड्स की बर्थडे कितनी दूर है, क्या आपकी न्यू जॉब लगी है या नई नई शादी हुई है, या आपकी शादी को कितने साल गुजर गए हैं, क्या आपके डिवोर्स हुई है या आप सिंगल हैं, क्या आप किसी के पास एम्प्लॉय हैं या आप खुद का बिजनेस ओन करते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेशन से आपको बहुत ही पर्सनली टारगेट किया जा सकता है, और एज आई टोल्ड यू के मैं ये डेली बेसिस पर खुद करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी ज्वेलरी की शॉप है तो आप अगर उन लोगों को टारगेट करें कि जिनकी एनिवर्सरी 30 दिन के अंदर आने वाली है, तो मोस्ट लाइकली आपकी सेल्स बढ़ सकती है। सिमिलरली, अगर आपकी शॉप बच्चों के कपड़े बनाती है तो आप ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हैं जिनके बच्चे 1 से 5 साल तक के हैं। एक प्रोजेक्ट के दौरान हमारे क्लाइंट को अपने कॉलेज में एडमिशन चाहिए थे, उसके लिए मैंने खुद ऐसे पेरेंट्स को टारगेट किया जिनके बच्चे 15 साल से ऊपर के थे और उन्होंने अपना मैट्रिकुलेशन कंप्लीट कर लिया था। और ये कैंपेन सच में बहुत ही मैसिव एंड इफेक्टिव थी, क्योंकि हमने जिन लोगों को टारगेट किया वो लोग ऑलरेडी ढूंढ रहे थे कि अच्छा कॉलेज मिल जाए अपने बच्चों के लिए। इसी तरह डायपर कंपनीज भी ऐसे पेरेंट्स को टारगेट करती हैं जिनके यहाँ बच्चे अभी अभी हुए हैं या 3 साल तक की उम्र तक के हैं, ताकि वो उन लोगों पर ही पैसा खर्च करें जो बेबी डायपर्स खरीदना चाहते हैं। कैटेगरी 2, इंटरेस्ट। फेसबुक अलाउ करता है आपको टारगेट करने के लिए अगर आपको किसी में भी इंटरेस्ट है, जैसे कोई क्रिकेटर, फुटबॉलर, या आपको ऑनलाइन डेटिंग में इंटरेस्ट है, या बाप बनने में इंटरेस्ट है, आपको भागने में इंटरेस्ट है या बॉडी बिल्डिंग में, योगा में इंटरेस्ट है या वेट कम करने में, खाना पकाने में इंटरेस्ट है या लजीज खाना खाने में, आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है या ट्रैवल करने में, आपको खिलौनों में इंटरेस्ट है या कपड़ों में या ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। इस कैटेगरी से आप आसानी से ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो आपकी प्रोडक्ट में दिलचस्पी रखते हैं। जैसे अगर आपकी मेकअप की शॉप है तो आप आसानी से ऐसी लड़कियों को टारगेट कर सकते हैं जो लड़कियां मेकअप में इंटरेस्टेड हैं और आपकी शॉप से करीब हैं, या आप उन इलाकों में अपनी मेकअप प्रोडक्ट्स डिलीवर कर सकते हैं। कैटेगरी नंबर 3, बिहेवियर। फेसबुक आपको अलाउ करता है कि आप लोगों को नेशनैलिटी की बेसिस पर भी टारगेट करें, और क्या आपका कंप्यूटर PC है या मैक, आपको गूगल क्रोम पसंद है या फिर सफारी, आपके पास Xbox है या PlayStation, क्या आप फेसबुक के पेज के एडमिन हैं, आप सैमसंग फोन यूज कर रहे हैं या HTC या iPhone, क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग बहुत पसंद करते हैं, क्या आप यूजली बहुत ट्रेवल करते हैं, या आप अभी अभी रिसेंटली वेकेशन खत्म करके आए हैं। इस तरीके से एडवर्टाइजर्स अपनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स आपको बेच सकते हैं। जैसे अगर एक कंपनी सैमसंग मोबाइल के कवर्स बनाती है तो वो आसानी से सिर्फ उन्हीं लोगों को अपना एड दिखा सकती है जिनके पास वही फोन के मॉडल है के जिनके वो कवर बनाती है, या वो गेमिंग कंपनीज जो सिर्फ PlayStation की गेम्स बनाती हैं वो आपको सिर्फ आपके कंसोल के बेस पर ही एड्स दिखा सकती हैं ताकि आप उनके गेम्स परचेज करें, क्योंकि उनको पता है कि आपके पास PlayStation है। ये तो हो गए वो मामला जिनकी टारगेट ऑप्शन फेसबुक ने हमें दिए हुए हैं। इसके अलावा फेसबुक पिक्सल के तरीके से भी रीमार्केटिंग का ऑप्शन देता है, यानी कि किसी भी एड के दौरान वेबसाइट्स आपका डाटा कलेक्ट करती हैं और बाद में आपको एड दिखाती हैं। लेट मी एक्सप्लेन। आपने एक एड देखा एक शर्ट का और आपने उस पर क्लिक किया और आपने वेबसाइट विजिट की लेकिन शर्ट परचेज नहीं की, तो वेबसाइट आपकी इंफॉर्मेशन को सेव कर लेती है और आपको वही एड फिर से दिखाती है डिस्काउंट्स के साथ।
ऐसा यूजली एयरलाइंस यूज करती हैं। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं दुबई टू कराची का टिकट सर्च कर रहा था और प्राइस मुझे अच्छी नहीं मिल रही थी तो मैंने टैब क्लोज कर दिया और कुछ देर बाद मुझे इत्तेहाद का एड नजर आया विद 20% डिस्काउंट और मैंने वो अवेल किया। इस तरह आपको बहुत से एड्स दिखाए जाते हैं लेकिन सिर्फ वही एड्स दिखाए जाते हैं जो आपसे रेलिवेंट हों। इससे हर किसी का फायदा होता है, आपका कि आपको मुफीद एड नजर आते हैं और डिस्काउंट्स के साथ, एडवर्टाइजर का कि वो सिर्फ उतने ही पैसे खर्च करता है जितने उसके कस्टमर्स हैं, और फेसबुक का कि उसके कस्टमर्स किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं जाते। एंड दैट्स इट। लेट मी नो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। यूट्यूब पर मुझे जरूर सब्सक्राइब करें, www.youtube.com/mychannelvideo, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।